के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसका बारहा हमने भी जिक्र किया। मजबूरन अदालत को अहकामात तो देने पड़े कि सिंध के इलाकों में कुत्तों को मारने की मुहिम चलाई जाए और इसमें जिम्मेदारी मकामी अराकीन असेंबली पर डाली। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी तलब करदा दस्तावेजात के हमरा अदालत तलब कर लिया गया है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें बाकायदा तौर पे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वही मुहैया नहीं की जाती। ठीक है, कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद उसका इलाज तो हो सकता है, वैक्सीन तो लगाई जा सकती है, लेकिन वैक्सीन की अदम दस्तियाबी भी सामने आती है। कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसका बारहा हमने भी जिक्र किया। मजबूरन अदालत को अहकाम तो देने पड़े कि सिंध के इलाकों में कुत्तों को मारने की मुहिम चलाई जाए और इसमें जिम्मेदारी मकामी अराकीन असेंबली पर डाली गई है। कुत्ते के काटने के जो केसेस आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा 92 हद से ज्यादा उसने हर डिस्ट्रिक्ट हर तालके के केसेस को अपने चैनल पर दिखाया और लोगों के इशू को हाईलाइट किया और वहीं से हमने काफी ऐसी चीजें लेकर असेंबली के फ्लोर पर लेके गए। तो दुनिया इस चीज में हम पर हंस रही है कि हाँ, पाकिस्तान में एक ऐसा सूबा है सिंध जिसमें इतने ज्यादा कुत्ते के काटने के केसेस हैं कि हुकूमत इस चीज पर काबू नहीं पा रही। कहूं कि वो कुत्ता फ्री है, वहां पे कुत्ता काटने का कोई केसेस नहीं आते, हर जगह कुत्ते के काटने केसेस आते हैं। हाल ये मैं पूछ रही हूं कि एमपीएस क्या करें, कुत्तों के पीछे भागे, उनको पकड़े। बीच में इन्होंने 1 अरब का कह दिया कि हमने कुत्तों की नस्लबंदी के लिए 1 अरब रखा, तो सवाल ये पूछ रही हूँ उस पर अदालत कोई अहकाम जारी क्यों नहीं करती। इसका मतलब आप नहीं समझती कि अपोजिशन के एमपीएस को ऐसी किसी कुत्ता मार मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए, या फिर हुकूमत ही काम करती है, हुकूमत के एमपीएस के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि भाई यही कुत्ता मार मुहिम में सिर्फ हिस्सा ले। अगर पूरी सिंध में कुछ ऐसा सिलसिला कर रहे हैं कि कुत्तों को मारना, कुत्तों के ऐसे केसेस जिन इलाकों में हो रहे हैं, वहां के एमपीएस को आप ऑन बोर्ड तो लें, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात हो चुकी है। पूरे सिंध में कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ चुके हैं, अगर अब भी उन्होंने ये सीरियसली इसके इकदाम नहीं किए तो मैं नहीं समझती कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। लोग अब अपने कानून ले लेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को इस तरह मरते नहीं देख सकते। बिल्कुल, या एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना या इस तरीके के संगदीदगी के वाकयात ना हो, इनको यकीनी बनाना पहली जिम्मेदारी तो जिला इंतजामिया की बनती है, साथ महकमे सेहत भी है। बिल्कुल जी, वैक्सीन देना, एंटी रेबीज जो वैक्सीन दी जाती है वो अव्वल तो नापैद है। आप कहते हैं ये लोग हैं, आप असेंबली के फ्लोर पर जो आपको जवाब मिलेगा, आप ये फरमाते हैं कि हर जिले में जहां जहां ऐसे केसेस होते हैं वहां पर कहीं आपको इस तरह की वैक्सीन नहीं मिलती। लड़काना जैसे शहर में आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहां के बच्चे उनको लाकर कराची भागते हैं कि जिना हॉस्पिटल में शायद वैक्सीन मिल जाए। तो ये तो हालात है, इकदामात की वजह से आज पूरे सूबे में लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि खुदारा और कुछ नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सेहत नहीं दी, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, सब कुछ तबाह है। कम से कम हमारे बच्चों को इस तरह तो अजियतनाक मौत नहीं दो कि कुत्ते भगोड़ कर मार डालें उनको, और उनको फिर अगर खुदा ना खास्ता मर जाते हैं, उनको लाशें ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है।